आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? है ना? आपको मालूम है कितने पद खाली हैं? मैं बताती हूं, सुनिए। शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली, विश्वविद्यालयों में 75% पद खाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 90% से ज्यादा पद खाली, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली, महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली, फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं, 90% से ज्यादा पद खाली, बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली, पूरे प्रदेश की CHC में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। मोतियाबिंद होती है, आंख में तकलीफ होती है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में चले जाते अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको। लेकिन इन 3.5 सालों में और उससे पहले जितने सालों का इनका राज रहा है, आपको कमाने का मौका कहां दिया? जहां जहां से रोजगार बनना था, चाहे बड़े बड़े PSU इन्होंने बेच दिए, छोटे छोटे उद्योग पे GST थोप कर नोटबंदी करके उन्होंने ठप करा दिए। मुश्किल में है जितने भी मेरे दुकानदार भाई यहाँ बैठे हैं या छोटे छोटे उद्योगपति हैं, वो बताएंगे आपको कितनी कमाई हुई है। GST भरते 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 उनको समझ में ही नहीं आ रहा है किस चीज की क्या GST है, उनको खत्म कर दिया। खेती किसानी में रोजगार पैदा होता था, मनरेगा होता था आपके गांव में, वहां पे रोजगार बंद, तो रोजगार देंगे कहां से आपको? आपको कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप पे महंगाई इतनी थोप रहे हैं कि आपका जीना मुश्किल हो गया है। बट ये सब बातें मैं आपको यहाँ इस मंच पे खड़े होकर समझा रही हूँ, आप सबको तो पहले ही मालूम है, जी आप रहे हैं, संघर्ष आप कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनकी किताबों को खरीदने के लिए, उनकी फीस भरने के लिए, उनकी भर्ती की परीक्षाओं के लिए, उनकी नौकरियों को, उन इंटरव्यूज के लिए। ये सब काम आपके ही समर्थन से आपके बच्चे कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप इंदौर संभाग के हैं, आप जानते हैं कि पिछले 18 सालों में यहां कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, बनी है कि नहीं बनी? कोई नया अस्पताल बना? कोई मेडिकल कॉलेज खोला? तो क्या कर रहे हैं ये?